स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल अलज़ा में कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो जो है है बहुत अच्छी खुशखबरी है दोनों के लिए चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो कतर में जो कतर में लोग रह रहे हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और जो कंपनी एम्प्लॉय ढूंढ रही हैं उनके माध्यम से मैं एक अच्छी ख़बर ले आया हूं मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि ये क्या है और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कैसे अपॉर्चुनिटी है और कैसे अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करके इंटरव्यू में जाना है तो मैं आपको दोस्तों अभी भी बताऊँगा कि कैसे किस साइट ना है, कैसे जाना है कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या साइट का नाम है तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जाएंगे गूगल में जब आप गूगल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लिखना है कतर चैम्बर डॉट कॉम कतर चैम्बर सी एच ए एम बी e आर चैम्बर डोट कॉम ठीक है जब आप ये सर्च करेंगे तो खुल के आएगा जो पहला ऑप्शन होगा वही आएगा कतर चैम्बर तो आप ये देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है मैं दिखा रहा हूँ इस पर आप क्लिक करेंगे कतर चैम्बर पर जब ये ओपन होगा उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है अपनी नौकरी पाने के लिए आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है यहाँ पे बहुत अच्छी कतर चैम्बर और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मिलके ये वेबसाइट बन के लिए ये काम किया है जिससे दोनों को मदद होगी जो बेचारे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए और जो कंपनी एम्प्लॉयड ढूंढ रही हैं उनके लिए अभी तो आपको पता है कि जैसे कि नहीं आ सकते हैं लोग बाहर से इसी दोस्तों जो लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों आप नीचे करके स्क्रोल करके आएंगे स्क्रोल करके आएँगे नीचे नीचे आप अपने मैं उसको लेते आएंगे लेते आएंगे लेते आएंगे फिर यहाँ पे आपको दिखेगा री इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट कंपनी और एक्सपेल्ड इम्प्लॉज एक्सपेल्ड एक्सपेल्ड एम्प्लॉई माने दोस्तों जैसे कि जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए री एम्प्लॉयमेंट सर्विस है तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो नया पेज है वो दिखा रहा है कि री इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट कंपनी और एक्सपेल्ड एम्प्लॉयज़ तो आप नीचे जाएंगे दोस्तों अपना यहाँ पे नाम वगैरह भरेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है राजू मोहन नाम है आपका राजू मोहन आपने डाला नीचे गए अपना कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसका सी नंबर डालेंगे जिसको सही कहते हैं सजल तिजारी भी कहते हैं वो डालेंगे अपना ई डालेंगे एक इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन आता है जो आठ डिजिट का होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सत्रह फिर आता है पंद्रह सौ फिर तेरह ऐसे करके एक आता है ये डालेंगे अपना इंडस्ट्री डालेंगे कि आपको क्या काम आता है सर्विस है ट्रांसपोर्ट है कंस्ट्रक्शन है एग्रीकल्चर है जो भी काम जिस चीज़ में भी आपको आ, आता हो वो आप डालेंगे उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे अपना एम्प्लॉय का नाम डालेंगे एम्प्लॉ का नाम यानी कि अपना नाम डालेंगे सॉरी मैंने गलत कहा यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है जो कंपनी आपकी थी जैसे कि आपकी थी फ़ॉर एग्जांपल मितेला ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग या कुछ भी थी एक्स वाई जेड वो आप डालेंगे यहाँ पे कंपनी का नाम नीचे कंपनी की डिटेल्स डालेंगे और फिर नीचे जाएंगे दोस्तों तो अपना डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे आप एम्प्लॉई नेम आपकी नेशनलिटी क्या है जैसे आप इंडियन हैं पाकिस्तानी हैं तो नेपाली हैं बंगाली हैं जो भी हैं तो उसके आप यहाँ पे डालेंगे जैसे कि आप यहाँ इंडियन इंडियन डालेंगे डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे जैसे कि मैं डेट ऑफ़ बर्थ आपको डाल के सिखा देता हूँ कैसे करना है डेट ऑफ़ बर्थ आप जाएंगे यह साल है तो मान लीजिए कि आपकी पैदाइश है उन्नीस की तो यहाँ पे उन्नीस सौ अस्सी करेंगे जुलाई में जाएंगे आप पैदाइश है आपकी अक्टूबर की और यहाँ पे डेट चुन लीजिए जैसे 18, 17 अक्टूबर उन्नीस सौ अस्सी हो गया फिर आप मेल है कि फ़ीमेल है तो फॉर एग्जांपल मेल आपका एग्जिटिंग कतर आई नंबर डालना है जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल आपने कुछ भी डाल दिया नाइन ज़ीरो कुछ भी डाल दिया ठीक है और फिर आप जाएंगे आपको काम क्या चाहिए कि देखिए वर्कर ड्राइवर क्लर्क आईटी में हैं सेक्रेटरी हैं अकाउंटेंट हैं लॉयर हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं सफाई वाला क्लीनिंग लेबर हैं टी बॉय हैं क्लर्क हैं ठीक है या फिर कुछ और काम है डायरेक्ट लेबर हैं जनरल लेबर हैं वो सब आप डाल सकते हैं तो मैंने टी बॉय इसको सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद एक एक्सपीरियंस डालेंगे एक साल से तीन साल तीन से छः साल मैं एक साल से तीन साल डालता हूँ एजुकेशन एलिमेंट एजुकेशन में डालना है आपको देखिए अगर कुछ नहीं डालना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं और अगर आपको डालना है तो दसवीं पास एलिमेंट्री डाल सकते हैं दसवीं पास इंटरमीडिएट डाल सकते हैं हाई स्कूल डाल सकते हैं बैचलर मास्टर डॉक्टरेट अपने हिसाब से अपनी जॉब आप डाल सकते हैं उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है अपनी आई की कोई स्कैन करके उसकी फ़ोटो डालनी है यहाँ पे आई डी जब आ जाएगा यहाँ पर अपनी फ़ोटो डालनी है आई की कॉपी डालनी है पासपोर्ट की जैसे इंडियन पासपोर्ट है तो उसका आगे पीछे दोनों पेजेस डालने होंगे अपनी सीवी की डालनी है सीवी से मुराद ये है कि अगर आप किसी लो पोस्ट के लिए आ, अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक पेज का आप बना के डाल दीजिए अपना नाम वगैरह लिख के नाम आईडी पासपोर्ट नंबर आपकी एज नेशनलिटी ये पाँच छः आइटम डाल के आप अपनी छोटी सी सी बना के डाल सकते हैं ठीक है और ये कह रहा है एडिस्टेशन ऑफ फॉर वर्क ये मतलब है कि आपको अपने जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे या तो एनओसी दिखानी पड़ेगी या छः महीने का सेटलमेंट पेपर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे डाल डालना पड़ेगा आपको एनओसी या आपको छः महीने का सेटलमेंट uh, पेपर और आई एम नॉट अ अरोबट करके आप इसको सबमिट जैसे ही करेंगे जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा जो जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने आ जाएगी आप अपनी जॉब अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों आप मन मुताबिक अपनी जॉब पा सकते हैं अगर ये वीडियो दोस्तों आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझको याद रखें और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझको सजेशन दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और अगर आपको कोई भी सवाल है तो मेरा नंबर दिया रहता है आप वीडियो में कभी भी मेरा नंबर देख के मुझे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं आपके सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर गुड बाय